तुम्हारा कानून देख चुका है। हम सब जानते हैं कि वो एक वेल प्लान्ड मर्डर था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारे डैड ने हमारी आंखों के सामने दम तोड़ा था। इस आदमी की वजह से तू बाहर तो आ गया है, लेकिन मैं तुझे ज्यादा दिन तक बाहर घूमने नहीं दूंगा। अगर मुझे पूरे सिस्टम को भी चैलेंज करना पड़ा तो कर दूंगा, लेकिन अपने बाप के कातिल को ऐसे ऐसे खुला नहीं घूमने दूंगा। और जितना दर्द मेरे डैड को मरते वक्त हुआ था ना, उतना दर्द मैं तुझे रोज दूंगा। तू सांस तो लेगा पर जिएगा नहीं। मैं तुझसे तेरी जिंदगी और तेरा वजूद दोनों छीन लूंगा। रुद्र प्लीज बस करो। तुमने अपनी भड़ास निकाल ली ना, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा तुम्हारे मुंह से ये सब सुन के शिफा पे क्या बीत रही होगी, और जो इसे देख के हम पे बीत रही है उसका क्या। जी शिवाय नहीं आना चाहते थे, लेकिन मैं जबरदस्ती उन्हें लाई हूँ। इसे तुम लाई हो या ये खुद आया है इस घर में, पर हमारे दिलों में इसके लिए कोई जगह नहीं। भूल गया क्या कहा मैंने? मैंने कहा था ना हम सबसे दूर रहना, तो दूर रहे। वो इस आदमी को बोलो कि अभी के अभी इस घर से चला जाए। तो फिक्र मत कर, इस खूनी को इसकी असली जगह पहुंचा के रहेंगे, जरूर पहुंचाएंगे। सभी को तकलीफ है तो मेरा यहां से चले जाना ही ठीक है। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे आप। यह आपका घर है और आप अपनी सजा काट चुके हैं। कोर्ट ने आपको बाइज्जत रिहा किया है, तो आप इस घर में रहेंगे वो भी सर उठा के। मैंने क्या कहा? आप इस घर में रहेंगे और वो भी सर उठा के। एक मिनट, मैं इस आदमी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। इसलिए इससे कह दो कि ये अपनी साइड पे रहेगा और हम अपनी। अपनी साइड मतलब? We'll be right back.
बोलेगी तो रुक जाएगी। प्लीज दादी जी, प्लीज प्लीज मत ऐसा होने दीजिए दादी। हमारा घर नहीं है, दादी का मंदिर है। दादी के मंदिर के टुकड़े मत करो। जब दिलों में दरार आ जाए तो घर में लकीर खींचनी पड़ती है।